नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, और ये विशेष वीडियो मैं बना रहा हूँ आज 21 मार्च 2007 से दुनिया में एक डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है, और आज 21 मार्च है और हम डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए लगातार पिछले 30-35 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि डाउन सिंड्रोम को होने से रोका जाए। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। दूसरी, यदि आप जेनेटिक बीमारियां देखेंगे तो डाउन सिंड्रोम का बच्चा रिलेटिवली काफ़ी अच्छा होता है, पर डेफिनेटली दुनिया में अपने दूसरे लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ वो थोड़ा पिछड़ जाता है। उससे जो उसका समाज में जो इंक्लूजन होना है वो थोड़ा सा होना मुश्किल होता है। अदरवाइज डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मन बहुत ही निर्मल होता है, स्वभाव के बहुत ही कोमल होते हैं, और यदि आप उनको ठीक से रिहैबिलिटेट करें, उनका पुनर्व्यवस्थापन जो अच्छे से रखें, उनको उनका ट्रेनिंग अच्छा हो, तो वो स्वयं का अपना काम भी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में पार्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इन डाउन सिंड्रोम के बच्चों के जीवन के बारे में, उनके अधिकार के बारे में ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जिनके वो हेल्प करते हैं उन बच्चों को ग्रो करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई घर में डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम आता है तो वो घर में उस कपल को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगता है। तो बेसिकली आज डाउन सिंड्रोम के डे के बारे में बोलते समय हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। नंबर एक कि डाउन सिंड्रोम होता क्यों है। नंबर दो, डाउन सिंड्रोम कब होता है, किस महिला में होता है, किस महिला के डिलीवरी में होता है। डाउन सिंड्रोम के प्रकार क्या क्या है, क्या सभी डाउन सिंड्रोम एक जैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या डाउन सिंड्रोम को होने से रोका जा सकता है। क्या हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे में पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं गर्भ के प्रारंभिक अवस्था में, कि हम कपल को ये बता सकते हैं, दंपत्ति को, कि आपके जो वाइफ है उसके पेट में पल रहा बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है कि नहीं। यदि ग्रसित है तो सच में ग्रसित है कि नहीं। अब बात होती है कि वो उनको रखेंगे कि नहीं। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, हर चीज में यदि हम नेचर को सोचें तो कई समाज में ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, आप इनको आने दीजिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में यदि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, एबॉर्शन हुआ, तो बड़ा दुख होता है। बच्चा आगे बढ़ता है फिर इसमें डिफेक्ट मिलता है तो बड़ा दुख होता है। फिर बच्चा पैदा होता है तो जब आ जाता है तब उसमें यदि कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी हो जिसमें डाउन सिंड्रोम भी शामिल है जो कि वापस ठीक नहीं हो सकती, तो काफी लोगों को वो भी दुख होता है। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो सोसाइटी पे और परिवार पे डेफिनेटली एक पारिवारिक एक आर्थिक बोझ जरूर बनता है। ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर फिर भी हमारे देश में ये एक शाश्वत सत्य है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को पालना किसी भी फैमिली के लिए बहुत दुष्कर होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि यदि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा आ जाए तो वो परिवार आगे बच्चा पैदा करने में घबरा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि फिर से वैसे ही बच्चा आ जाए। एक दूसरी फैमिली होती है जिसमें कि हम हर बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है मान के चलते हैं, तो हम क्या करते हैं यहां पर, इसकी जांच करते हैं। अब इस जांच को आप यदि पहले 3 महीने में कर लेंगे तो आपके पास में एक्शन लेने के लिए, एक मान लीजिए कि नहीं रखना है तो ये एक रिलेटिवली इजी होता है। हर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना एक कपल के लिए बहुत तकलीफदायक है, पर डेफिनेटली पहले 3 माह में यदि हम उसको बता दें तो ये, अब यही चीज यदि मैं उसको 4 महीने में बताऊं तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है, यही चीज यदि मैं 5 से 7 महीने में बताऊं तब कोई एक्शन नहीं ले सकते।
खासकर 24 हफ्ते के बाद। तो कोशिश ये रहती है कि हम इस डाउन सिंड्रोम को होने से रोके। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे में एज ए प्रीनेटल फीटल मेडिसिन पर्सन, एज ए जेनेटिक क्लिनिक, हमारा काम ये रहता है कि हम जिनको बच्चा हो रहा हो, उनको अच्छा बच्चा हो, उसमें हेल्प करें। तो ये डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? जब भी महिला में और पुरुष में, जब ये फीमेल है और ये मेल है, इसमें इसकी जो डीएनए की लड़ी है, उस लड़ी को यदि आप पैकेट में देखोगे तो इसके पास 46 पैकेट होते हैं। हर पैकेट का एक चैप्टर मान लीजिए, तो 46 चैप्टर होते हैं। हर चैप्टर का एक नंबर होता है, 1 से लेके 23 और 1 से लेके 23, मतलब टोटल 46 पैकेट्स होते हैं। इनको एक 23 का ग्रुप इनकी मदर से मिला, एक फादर से मिला। ऐसे ही मेल को उसकी एक मदर से 23 मिले और फादर से 23 मिले, तो ये 46 पैकेट है। अब इनकी जब मैरिज होती है तो ये एक बच्चा बनाएंगे, तो 46-46 मिलके हम कितना हो जाएगा, 96 × 12, 92 तो हम कर नहीं सकते। तो हम, ये जो महिला है, ये एक गैमिट बनाती है आधा आधा, तो 46 का 23 पैकेट वाले, इसमें जो फीमेल होती है वो अंडे बनाती है, जो कि जिसमें 23 क्रोमोसोम रहते हैं, 23 पैकेट्स रहते हैं। ऐसे ही जो हस्बैंड है वो 23 वाले स्पर्म बनाते हैं। ये दोनों मिलके एक 46 करके नया एक संतान, नया एक इंडिविजुअल, नया एक व्यक्ति बनता है, जो कि पैकेट वाइज उसी प्रकार का रहता है जो एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे जैसे इस महिला की उम्र बढ़ती है तो ये जो डिवीजन होना है 46 का, इस डिवीजन में व्यतिक्रम आता है, गड़बड़ी आती है, क्योंकि जितने पैकेट लाइन से लगे हैं इनको आपको 46 जो 23 पेयर लगे हैं इनको आपको अलग करना है, तो इन अलग करने में कुछ फोर्स लगेगा। इस फोर्स में कमी आ जाती है जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है। तो अधिकतर ये देखा गया है कि बहुत सारे क्रोमोसोम अलग अलग ना हो कि एक साइड में ही चले गए। तो इसमें जो 1 से लेके 23 नंबर तक, उसमें जो 21 नंबर वाला है, वो पता चला कि एक साइड में चला गया, यहां पर कोई नहीं आया। तो जो गैमिट बनेगा, जो अंडा बनेगा, उसमें जो टोटल पैकेट की संख्या 23 की जगह 24 हो जाएगी, क्योंकि 21 एक्स्ट्रा है। अब फादर जो है, जो मेल है, उसने 23 दिया, इसके पास 21 का एक है, दूसरे स्पर्म में 21 का एक है, इसने 21 भी दिया 23 के साथ। जब ये दोनों मिले तो ये 47 हो गया। अब ये 47 में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, एक्स्ट्रा पैकेट आया, वो 21 नंबर वाला आया। ये जो 21 नंबर वाला पैकेट लेके जो संतान पैदा, जो भ्रूण बनता है, जो शुरुआत होती है एम्ब्रियो की, ये कई बार पैदा हो जाते हैं। यदि ये 21 नंबर के अलावा दूसरे क्रोमोसोम को लेके पैदा भ्रूण बने तो अधिकतर वो पैदा नहीं होते हैं। तो जो पैदा होता है उसको लेके ज्यादा चिंता है। ये जो पैदा होने वाला, ये डाउन सिंड्रोम कहलाएगा, क्योंकि वो 21 नंबर का एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। चूंकि ये पैदा होता है, इसलिए हमको दुनिया में डाउन सिंड्रोम के बच्चे दिखते हैं ज्यादा, ये जीवित भी रहता है। पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण उसका मेंटल, उसका हार्ट का, उसका थायराइड का, उसका मसल का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको रहते हैं, और कई बार जीवन काल बहुत ज्यादा सामान्य नहीं रहता। चूंकि ये बच्चा पैदा होता है, इसलिए इसको रोकना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो दूसरे क्रोमोसोम लेके जो भ्रूण बनते हैं, वो अधिकतर कुदरत उनको स्विच ऑफ कर देती है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा हम टेंशन में नहीं रहते। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाला जो भ्रूण बना, जो कि पैदा हुआ, इसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जिसमें कि हम, जो बहुत ही 5% चांस है, जिसको हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन और एक मिक्सचर होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हम बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या एक बार किसी महिला को यदि ट्राइसोमी 21 का बच्चा हो गया या डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो गया,
तो क्या दोबारा बच्चे होने पर भी ये चांस बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, 1% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यदि किसी रिश्तेदार को ये चीज हुई है तो आपको भी होने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा, मैंने बोला कि डाउन सिंड्रोम कब होता है, जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है तो वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम का चांस बढ़ता है। पर क्या कम उम्र की महिलाओं को डाउन सिंड्रोम नहीं होता? ऐसा नहीं है। चूंकि हम पहले 35 साल की उम्र के बाद में सब महिलाओं को टेस्ट करते थे, तो 35 साल के बाद में डाउन सिंड्रोम का चांस घट गया था। बट ये देखा गया कि 35 साल के भीतर 30 साल 25 साल के प्रेगनेंसी में भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब हर प्रेगनेंसी में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इसको कैसे पहचाने? सबसे पहली पहचान, यदि उम्र ज्यादा है तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है एज। यदि एज ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा चांस है कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा। तो लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी करने में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, हम जब एज के साथ में इसके लिए जोड़ते हैं तो हम एक अंदाज लगाते हैं कि ये प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। तो और बेहतर टेस्ट क्या करें? तो हम इसमें अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर हमने डबल मार्कर का इजाद किया। डबल मार्कर और एज मिलके हमने चांस को बढ़ाया पकड़ने का। फिर भी कुछ छूट जाते हैं और कुछ निरपराध भी पकड़ में आ जाते हैं, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। अब सपोज इसके साथ में आपने एक अल्ट्रासाउंड भी किया, जिसको हम NTNB स्कैन बोलते हैं, तो ये भी एक स्क्रीनिंग। यदि आप तीनों को जोड़ देंगे तो आप ज्यादा पकड़ सकते हैं। पर जो पकड़े वो क्या पक्का पक्का डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है? यदि ग्रसित है तो उसको नहीं रखने का जो डिसीशन है वो कपल को बोलना पड़ता है। हम इन टेस्ट से वो पक्का नहीं बोल सकते। लोग इसके बाद एक NIPT टेस्ट का भी बोलते हैं। अगेन इसको भी 100% नहीं बोल सकते कि यदि इसमें पॉजिटिव आया तो आप इसको नहीं रखिए। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, NIPT के रिजल्ट से डाउन सिंड्रोम को पक्का मान लेना ठीक नहीं है। मैं पर्सनली इनके टेस्ट में यदि प्रॉब्लम आती है तो NIPT अवॉइड करता हूं। अब मान लीजिए किसी को आपने बोला कि आपका डाउन सिंड्रोम का हाई रिस्क है इस बच्चे में, तो क्या आप उस कपल को बोल सकते हो कि पक्का पक्का ये डाउन सिंड्रोम है ही नहीं? तो पक्का कैसे करें? इस बच्चे का जो भीतर पल रहा है, जो बच्चेदानी के भीतर पल रहा बच्चा, उसका जब तक आप DNA जांच नहीं करोगे तो कैसे बताओगे? तो उसका DNA जांच करने का एक तीसरे महीने का टेस्ट है जो मैं करता हूं, उसको CVS बोलते हैं, कोरियन विलस सैम्पलिंग। 98% आप बता सकते हो कि ये सच है। इसके बाद चौथे महीने में इसके पानी का जो टेस्ट है उसको निकाल के करते हैं, उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें 99% हम बता सकते हैं। तो ये जो दो टेस्ट हैं, ये पक्का करने वाले टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट करे बगैर कई लोग NIPT और स्क्रीनिंग टेस्ट से ही पक्का कर लेते हैं कि उसके डाउन सिंड्रोम है, तो वो उसका डिसीजन ले लेते हैं रखना है कि नहीं रखना। पर इतना होने के बाद भी डेफिनेटली आप एक या तो CVS कराएं। CVS में एक फायदा ये है कि ये 3 महीने में हो जाता है, एमनियोसेंटेसिस 4th महीने में होता है, 4th महीने कंप्लीट होने पर, 4th से 5वें महीने में, तो थोड़ा लेट होता है। पर चूंकि ये ज्यादा अच्छी रिपोर्ट देता है तो ये मैं प्रेफर करता हूं। बट CVS से भी 98% पक्का हो सकता है कि ये डाउन सिंड्रोम से वास्तव में ग्रसित है कि नहीं। तो पक्के को पक्का कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम रेगुलरली इतने सालों से करते आ रहे हैं। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे में ये मेरा एक अप्रोच होता है कि मैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे को होने से रोकूं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो हो गए हैं उनको पालना, उनको रखना दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर की अपेक्षा काफ़ी
अच्छा होता है। और डाउन सिंड्रोम के बच्चे, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत ही कोमल और बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं। ये हमारी एक कोशिश रहती है कि हम गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में ही कपल को ये पक्का करा दें कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। पर मैं फिर से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर बीमारी बच्चे में डाउन सिंड्रोम ही नहीं होती। डाउन सिंड्रोम के अलावा सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन भी देखना जरूरी है, जो डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा कॉमन है और डाउन सिंड्रोम जैसी घातक भी हो सकती है। तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि जब भी मैं डाउन सिंड्रोम के पक्के वाले जांच करता हूँ, जैसे कोरियन विलर सैम्पलिंग या फिर एमनियोसिंथेसिस, मैं डाउन सिंड्रोम के टेस्ट के साथ उनका क्रोमोसोमल माइक्रोएरे जरूर कराता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि डाउन सिंड्रोम ना हो, 21 नंबर का क्रोमोसोम ठीक हो, पर किसी दूसरे क्रोमोसोम में सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन, जिसको कॉपी नंबर वेरिएशन भी बोलते हैं, वो लेके बैठा हो। मुद्दे की बात यह है, आज की डेट में हमारी कोशिश ये रहती है कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा हो उसको बच्चा हो, जो हम फर्टिलिटी क्लिनिक के थ्रू करते हैं, और जिनको बच्चा हो रहा हो उनको एक अच्छा बच्चा हो, हम अपने जेनेटिक क्लिनिक या फीटल मेडिसिन के थ्रू करते हैं। और इसी प्रयास के अंतर्गत हम 2010 से एक फीटस डे भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को। जैसे डाउन सिंड्रोम डे का 21 मार्च निर्धारित किया गया है, जबलपुर से पहली बार आइडियल फर्टिलिटी से हमने एक नई अवधारणा शुरू की, एक नई पहचान शुरू करी, एक नया कंसेप्ट दिया वर्ल्ड को, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड फीटस डे ऑन 31 अक्टूबर। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक कपल को, एक दंपत्ति को जो कि प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका प्रेगनेंसी शुरू हुआ है, उनकी शुरुआती अवस्था में ही हम बेस्ट तरीके से बता सके कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा कि नहीं। आपको यदि ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी जानकारियाँ जो आपके स्वास्थ्य के, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेंगी, लगातार देते रहें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।